पता ही है कि बक्सवाहा फॉरेस्ट की में डायमंड माइनिंग की बात चल रही है, जहाँ लाखों की तादाद में पेड़ काटे जाएंगे। तो ये समझिए कि हमें डायमंड की जरूरत है या ऑक्सीजन की। दूसरा क्वेश्चन, अगर आपको डायमंड चाहिए ही तो आजकल तो डायमंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक फॉर्म होता है, कार्बन का एक फॉर्म होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड से भी बन सकता है, लैबोरेटरीज में बन रहे हैं, और वो आपको चीपर भी पड़ेगा और सेम क्वालिटी का पड़ेगा जो आपको माइनिंग से मिल रहा है। तो कृपया करके बक्सवाहा फॉरेस्ट को कटने से बचाएं, इस वीडियो को वायरल कीजिए, जागरूक होइए कि हमें पेड़ चाहिए, हमें वहाँ के जो वन्य पदार्थ हैं, वहाँ के जो लोग हैं, जीव जंतु हैं, जो वहाँ की ट्राइब्स हैं, उनका वो घर है, हैबिटेट है। और क्या आपने एक बार उन हैबिटेंट्स से पूछा है क्या वो राजी हैं वहाँ की माइनिंग के लिए? आप कह रहे हैं कि वहाँ से 400 जॉब्स इकट्ठी होंगी या 400 जॉब्स जनरेट होंगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, लेकिन तकरीबन 7,000 लोग वहाँ पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं। क्या आपने उनसे पूछा कि वो लेबर बन के काम करने में इंटरेस्टेड हैं क्या? कौन चाहता है माइनिंग में काम करना? क्या आप चाहते हैं माइनिंग में काम करना? और फिर उनका नेचुरल हैबिटेट है वहाँ पे, अगर आपको पता ही है पेड़ काटेंगे हम तो डेंगू फैल सकता है, जीका फैल सकता है, कोरोना वायरस आप देख ही रहे हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी रिस्पेक्ट आवर मदर नेचर, आवर एनिमल्स, वहाँ की नदियाँ, वहाँ का पानी। और ये जो छतरपुर मध्य प्रदेश में बक्सवाहा फॉरेस्ट को काटने की बात चल रही है, ये आदित्य बिरला कंपनी जो ऐसा स्टेप उठा रही है, उनको सोचना चाहिए कि व्हाट आर दे डूइंग, व्हाई आर दे रनिंग आफ्टर मनी? अल्टीमेटली वी नीड फूड एंड ऑक्सीजन, नॉट द मनी, वी कैन नॉट ईट मनी। सो प्लीज अवेयर हो जाइए इस बात की।